सो गाइस, तो क्या हाल है आप लोगों के। तो मैं डिक्स आ चुका हूँ एक और नए गेम प्ले वीडियो के साथ। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट की सुहानी सी दुनिया में, और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इस वीडियो में 1.20 के कुछ और नए नए अपडेट। और भाई जहाँ तक की तो मोजैंग वालों ने इस अपडेट का नाम भी रिवील कर दिया है। तो यार वीडियो को जरूर से पूरी देखना और बताना यार कि कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में, और लाइक वगैरह भी कर देना, और चैनल पे ना हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और चलो और बिना किसी देरी के चलते हैं अब हम लोग वीडियो की तरह। सो गाइस, तो पहला अपडेट आ जाता है ये बैम्बू का, जो कि यार इस दरवाजे के उस पार है। तो चलो इस दरवाजे को खोलते हैं। और वैसे यार ये दरवाजा भी बैम्बू का है, जो कि देख सकते हो कितना बढ़िया सा है। तो ये सब देख सकते हो कितनी सारी चीजें यहाँ पे आई है बैम्बू से रिलेटेड। पहले देख लेते हैं यहाँ पे कुछ स्लैब वगैरह है, और ये फेंस है, फेंस गेट है यहाँ पे, और ये भाई प्रेशर प्लेट भी है। सो गाइस, तो ये हमारे सामने ट्रैप डोर भी है, और ये देख सकते हो भाई यहाँ पे तो हमारा साइन बोर्ड भी आ चुका है बैम्बू का। और साइन बोर्ड से मेरे पास एक और चीज है जो कि अब मैं लगाने वाला हूँ इस पेड़ पे, और ये भी नया अपडेट है जो कि है हैंगिंग साइन कुछ इस तरीके से। तो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये। तो ये अपडेट है हमारा, और ये सब पीछे देख सकते हो कितने सारे ब्लॉक्स आए हैं, यानी कि यार आप लोग एक अपना घर बना सकते हो बैम्बू से ही पूरा। और अब सेकंड चीज आ जाती है यहाँ पे जो कि है ये बैम्बू राफ्ट, और ये देख सकते हो और कितनी बढ़िया सी है, मतलब कि एकदम सभी बोर्ड से अलग है, और मैं कितना बढ़िया लग रहा हूँ इसमें बैठ के आप देख ही सकते हो यार। ये देख लो फुल हम लोग ड्रिफ्ट वगैरह मार सकते हैं इसमें बैठ के। राफ्ट की बात हो ही रही है तो यहाँ पे राफ्ट विद चेस्ट भी आ चुकी है, जिसमें कि यार हम लोग अपना सामान स्टोर कर सकते हैं बहुत ढेर सारा, और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वाटर के थ्रू। तो ये था हमारा पहला अपडेट। तो चलो यार चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो गाइस, तो नेक्स्ट अपडेट तो हमारे गेम में ऐड हुआ है जो कि है यार क्रिएटिव इन्वेंट्री को लेके, और भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया अपडेट है ये। आप लोग देख सकते हो पहले हमारी इन्वेंट्री कुछ अनऑर्गेनाइज मैनर में थी, लेकिन यार अब देख सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक का अलग से सेक्शन है और कलर्ड ब्लॉक का अलग से सेक्शन है, यानी यार सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में है। और स्पॉन एक्स का तो भाई देख ही सकते हो एकदम फुल यहाँ पे बन रखा है सेक्शन, जिससे कि यार हम लोग मन चाहे मॉब स्पॉन कर सकते हैं, और यहाँ पे रेडस्टोन के अलग से ब्लॉक हैं। तो यानी कि यार सब कुछ देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज हो रखा है, और इसमें एक नया सेक्शन ऐड हुआ है। तो उसे एक्टिवेट करने के लिए तो सबसे पहले आपको यहाँ कंट्रोल्स में आना है और ऑपरेटर आइटम्स टैब को ऑन कर देना है, जिससे कि अब हमारे गेम में ये नई चीज आ गई है जो कि ऑपरेटर यूटिलिटी। और इसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा वो सब सामान जो कि हम लोग को सिर्फ कमांड से ही मिलता था, और ये सब देख सकते हो यार नई नई पेंटिंग आई है। तो सबसे पहले मैं इसे अपने इन्वेंट्री में लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि कौन कौन सी नई पेंटिंग ऐड हुई है। सो गाइस, तो ये सब देख सकते हो यार बहुत ही नई नई तरह की पेंटिंग ऐड हुई है। वैसे यार पता नहीं अब मुझे कि ये हमें सर्वाइवल मोड में मिलेगी या नहीं, क्योंकि यार हम लोग को ये अब देख सकते हो ऑपरेटर यूटिलिटीज में मिल रही, जो कि यार हम लोग को सिर्फ कमांड ब्लॉक से ही मिलती है या कमांड डालने से ही मिलती है। तो पता नहीं यार इनका क्या यूज होगा। तो ये देख सकते हो यार बहुत ही अमेजिंग सी पेंटिंग है और बढ़िया लग रही है। सो गाइस, तो नेक्स्ट अपडेट आप लोग के सामने जो कि आ रही है वर्ल्ड जनरेशन का अपडेट, जो कि अब बहुत ही ज्यादा बढ़िया और हेल्पफुल होने वाला है। ये माइनर अपडेट है लेकिन यार बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होने वाला है, जो कि एक आप लोग देख सकते हो तीन सेक्शन में डिवाइड हो गया हमारा ये मेन्यू, जो कि एक गेम में जिसमें यार हम लोग अपने वर्ल्ड का मोड और डिफिकल्टी वगैरह सेट कर सकते हैं, और फिर वर्ल्ड में आ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग अपना सीड वगैरह डाल सकते हैं, यानी कि पूरे तरीके से हम लोग अपने वर्ल्ड को कस्टमाइज करेंगे, और गेम वाले सेक्शन में हमारे गेम प्ले को कस्टमाइज किया जाएगा। और फिर हमारे पास तीसरा आ जाता है कॉलम, जो कि है यार ये गेम रूल्स और डेटा पैक्स वगैरह का, यानी कि यार हम लोग अपने ही वर्ल्ड में क्या अलग चीज कर सकते हैं, यानी कि कुछ एड ऑन्स वगैरह करना चाहें, तो उस तरीके का ये अपडेट है। सो गाइस, तो क्या आप लोग भी अपना इंचेंटिंग रूम में जब आते हो तो अपने इंचेंटमेंट बुक्स के आप लोग यहाँ चेस्ट में रखते हो? यहाँ कुछ प्लेयर्स होते होंगे जो कि यहाँ इंचेंटिंग टेबल के सामने यहाँ पे रख देते हैं, जिससे कि वो लोग अपना आर्मर वगैरह इंचेंट कर सकें। लेकिन यार अब ये सब यहाँ से जाने वाला है, आपको ऐसे चेस्ट रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यार माइनक्राफ्ट में आ चुकी है एक बहुत ही बढ़िया सी चीज, जो कि है ये अपना चिजल्ड बुक शेल्फ वाइब, मतलब कि एकदम अलग ही ब्लॉक है ये, और हम लोग इसे इस तरीके से यहाँ पे लगा देते हैं पहले। और अब देखो भाई, अब इस बुक शेल्फ में आप लोग आके अपनी बुक्स वगैरह प्लेस कर सकते हो, और बाद में जब आपका मन हो तो यहीं से आओ और अपनी बुक कोई भी उठा लो और आपको मिल जाएगी बुक।
सो ठीक है। गाइस, तो अब यहाँ पे आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हो कि यार दो स्पॉन एग्स मेरे पास हैं। और अब आप लोग सोच रहे हो कि यार ये किन बंदों के हैं, तो ये मेरे हाथ में है आयरन गोलम का स्पॉन एग, यानी कि अब हम लोग बिना किसी देरी के और बिना किसी टेंशन के इसे भी स्पॉन करा सकते हैं। हमें वो आयरन का टी जैसा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे पास अब सेकेंड अपडेट में है जो कि है ये स्नो गोलम का अपडेट। यार मतलब कि इन दोनों को पहले हम लोग बिल्ड करके हमें समन करना पड़ता था, लेकिन यार अब हम लोग इन्हें ऐसे ही स्पॉन एग से भी स्पॉन कर सकते हैं। और एक और हमें स्पॉन एग यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि हमें कमांड से मिलेगा, जो कि है यार ये एंडर ड्रैगन का स्पॉन एग, ये देख सकते हो। और ये है कमांड, तो हम लोग इसे यहाँ पे करते हैं और हमारे पास आ चुका है एंडर ड्रैगन का स्पॉन एग। तो मैं इसे थोड़ा दूर चल के वहां पे स्पॉन करता हूँ। और इसी के साथ हम लोग ने स्पॉन कर दिया है भाई एंडर ड्रैगन को। इसे पहले ओवरवर्ल्ड में लाने के लिए हम लोग को कमांड का यूज करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम लोग को उसका स्पॉन एग मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और इसे हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गाइस, तो नेक्स्ट अपडेट हमारा बहुत ही माइनर अपडेट है, लेकिन अब बहुत ही यूजफुल भी है। पहले की यार हम लोग ऐसे करके नेदराइट पहनते थे, और जब हम चेस्ट प्लेट और इलाइट्रा में स्विच करना रहता था तो हम लोग को उसे मैनुअली ऐसे इन्वेंटरी खोल के स्विच करना पड़ता था, लेकिन अब वैसा नहीं है क्योंकि यार अब हम लोग ऐसे करके इसे स्विच कर सकते हैं बिल्कुल ही इजिली। और ऐसा ही सेम फीचर हॉर्सेज और लामा के लिए भी आया कि हम लोग उन पर राइट क्लिक करके उन्हें आर्मर पहना सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। और एक और अपडेट आया जो कि है बेडरॉक वाले बंदों के लिए। इस अपडेट में उनके लिए आने वाला है स्पेक्टेटर मोड, जो कि था जावा एडिशन में, लेकिन अब ये स्पेक्टेटर मोड फाइनली आ चुका है बेडरॉक वाले प्लेयर्स के लिए। तो चलो यार, नेक्स्ट अपडेट है हमारा इस अपडेट का नाम, जो कि यार अब मोजैंग वालों ने रिवील कर दिया है। तो इस अपडेट का नाम रखा गया है ट्रेल्स एंड टेल्स, जो कि अब बहुत बढ़िया नाम है। और पहले हम लोग इसे अननेम्ड अपडेट के नाम से भी जानते थे, लेकिन यार अब इसका नाम हो चुका है ट्रेल्स एंड टेल्स। और वैसे यार अब तो मुझे लग रहा है कि माइनक्राफ्ट में वापस आने का टाइम आ चुका है। यार माइनक्राफ्ट का क्रेज खत्म हो रहा था, लेकिन यार अब यहाँ पे माइनक्राफ्ट ला रहा है बहुत ही बढ़िया बढ़िया अपडेट, और लग रहा है यार अब कमबैक करना पड़ेगा बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग को। सो गाइस, तो चलो यार चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और हमारे सामने आ जाता है यार अपना नेक्स्ट अपडेट, जो कि है यार ये बंडल। तो यार इसके बारे में कई लोग तो यार जानते होंगे, लेकिन यार जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, यार ये बहुत ही बढ़िया चीज होने वाली है। तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा रैबिट हाइड और स्ट्रिंग। तो हमें रैबिट हाइड और स्ट्रिंग को ले लेना है और क्राफ्टिंग टेबल में कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना, और अब ऊपर आ जाएगी हमारे स्ट्रिंग और बस हमारा बंडल तैयार है। तो ये क्या करता है मेनली, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यार हमारे चेस्ट में कितना सारा सामान तो नहीं है यार, लेकिन मान लो यार कि ये सामान है यहाँ पे, तो अब हम लोग यार इसे कैसे कैरी करेंगे। तो हम लोग को सिंपली बंडल लेना और राइट क्लिक करते जाना हर सामान पे। तो देख सकते हो यार कितनी सारी चीजें इसमें आ चुकी हैं। तो इसमें नॉन स्टैकेबल आइटम नहीं आ सकते हैं, जैसे कि सॉर्ड वगैरह। और अगला अपडेट मैं बताने वाला हूँ यार कि जो नेदरराइट है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है अब ग्राइंड करने के लिए। जैसे कि यार पहले हम लोग नेदरराइट वगैरह बना लेते थे, और तो इस बार भाई नए अपडेट में मोजैंग वालों ने भाई उड़ा दिया है नेदरराइट को पूरे ही तरीके से। और हम लोग को अगर नेदरराइट मिल भी जाता है तो हम लोग को यार स्मिथिंग टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी, जो कि दिखता है यार कुछ इस तरीके से, और आप लोग देख ही सकते हो। तो यार इससे हम लोग अपना डायमंड आर्मर को चेंज करेंगे नेदरराइट में, और ये सब भाई स्मिथिंग टेम्पलेट है, जिससे कि यार हम लोग अपने आर्मर पे नए नए डिजाइन चढ़ा सकते हैं। तो यार आर्मर वगैरह के बारे में मैंने समझा दिया अपने पिछली वीडियो में, तो जिसका लिंक यार आपको आई बटन में ऊपर देखने को मिल रहा होगा। तो वीडियो के एंड में तो यार मैं आपको वो वीडियो पिन कर दूंगा, जिससे कि यार आप लोग देख लेना जाके। तो यार उससे पहले चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो गाइस, तो इस वीडियो का लास्ट अपडेट आ जाता है, जो कि है यार ये पिगलिन का हेड। तो यार ये हम लोग को मिलेगा चार्ज क्रीपर के फटने से, वो भी पिगलिन के पास। तो यार वैसे मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला, क्योंकि यार पिगलिन लोग मिलते हैं अपने को नेदर में, और भाई वहां तो चार्ज क्रीपर कैसे जाएगा भाई, मतलब वो सब अभी छोड़ो। और अपना एक और छोटा सा अपडेट है जो कि है यार ये मॉब हेड के साउंड का। तो हम लोग किसी अगर मॉब हेड को यहाँ नोट ब्लॉक के ऊपर लगाते हैं तो हम लोग उसकी आवाज सुन सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो
सो गाइस, आई होप आज की वीडियो में आप लोग को मजा आया होगा, और आप लोग कमेंट्स में जरूर से बताना कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो, यार कौन से अपडेट के लिए आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, और फोन में यार जल्दी से डाउनलोड कर लो माइनक्राफ्ट, क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस गेम में और नए नए अपडेट आने वाले हैं। कमेंट वगैरह कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर देना, और मैं भी चलता हूँ और मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।